बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, मेरा नाम ज़हीरुद्दीन बाबर। आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद करता हूं। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ घंटी के बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मलेशिया की बहुत सारी ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। और जिन दोस्तों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आ रही होगी, इससे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आ गया हूं और ऐसी कंपनी में आया हूं क्योंकि जो भाई पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी भाई हैं और जो मलेशिया में ये रह रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, सारी बातें आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। कौन से वीज़े पर हैं, क्या काम कर रहे हैं, क्या सैलरी है, सारी बातें उस भाई से मिल के आपसे सारी बातें शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेरयार है। शेरयार कहाँ से? पाकिस्तान से। पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट मर्दान से। डिस्ट्रिक्ट मर्दान से गाँव में रहते हैं या शहर में रहते हैं? हम सिटी में रहते हैं। सिटी में रहते हैं। तो माशाल्लाह, आप थोड़ा ये बता दें कि मलेशिया अभी आए हैं, क्या सोच के आए हैं? यार, मलेशिया में यही सोच गया है कि अपना जो है थोड़ा बहुत मुस्तकबिल बना लेंगे। ठीक एक है, बात है। ठीक है, लेकिन कभी सोचा था मलेशिया आने का? नहीं, यकीन मानिए जहन से भी होके नहीं गुजरा कि जो है आगे जाएंगे या जो है मतलब आ जाएंगे या इधर काम करेंगे। सही, ये तो कभी सोचा ही नहीं। सोचा नहीं कभी किसी से। पहले जो है हम सऊदी अरब में, सऊदी अरब में रहे हैं। जी जी जी। आप क्या सोचते हैं सऊदी अरब में और मलेशिया में क्या फर्क है? जमीन आसमान का फर्क है। इधर इधर जिंदगी यही है कि थोड़ी सी जो है कुला डुला माहौल है। मसलन यूरोप वाला माहौल, यूरोप वाला जो है मतलब ओपन, हर चीज आप यहाँ, मतलब कोई किसी चीज की पाबंदी नहीं? नहीं नहीं नहीं। ठीक है, पीछे सऊदी जो है, सऊदी उधर जो जिंदगी थोड़ा सा जो है उधर पाबंदी वाला। मुस्लिम कंट्री, ये भी मुस्लिम कंट्री है, ये भी मुसलमान कंट्री है, वो भी मुसलमान, लेकिन उधर जो है ये है कि पाबंदी है, थोड़ा सा सख्ती ज्यादा है। ठीक है, और आप आजादाना नहीं फिर सकते। ठीक है, तो यही फर्क है। मतलब मलेशिया आपको कैसा लगा, कैसी है? अगर बात करें काम की और मौसम की तो दोनों कंट्री में आप क्या कंपेयर करते हैं? मतलब मौसम तो जो है सऊदी अरब का, सऊदी अरब की निस्बत तो इधर जो है बहुत ज्यादा जो है वो नहीं है गर्मी। बहरहाल धूप इधर भी होती है। ठीक है, लेकिन सऊदी अरब तो आपको पता है रेतीले रेतीले की वजह से ना, मतलब गर्म इलाका है। गर्म इलाका है, इसी वजह से थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। बाकी मलेशिया में भी सेम मौसम जो है, आपको पता है साल साल गर्म ही रहता है। ठीक है, लेकिन ये है कि बारिश है इधर जो है। सऊदी अरब में आप क्या काम करते थे? सऊदी अरब में मैं जो है खुद जो है बिन लादन कंपनी में था। बिन लादन कंपनी, जी बिन लादन। जो लोग दुबई, सॉरी सऊदी अरब से देख रहे हैं, अगर बिन लादन कंपनी में काम करते हैं लाजमी कमेंट्स करें। ठीक है, अच्छा जी जी। बिन लादन कंपनी में क्या काम करते थे? उधर मेंटेनेंस का काम करता था, मेंटेनेंस सुपरवाइजर। ठीक है, क्या सैलरी वगैरह मिलती थी उधर? सैलरी उधर माशाल्लाह मिलती थी 2000 के करीब। 2000 रियाल? 2000 रियाल। तो फिर आप मलेशिया किस टाइम आए, कब आए? मलेशिया में मैं आया था 2017 में। 2017 में 5 साल होने वाले हैं तकरीबन। हाँ, 5 साल। ठीक है, 17 में 6 साल, बल्कि 6 साल आपकी मतलब। तो थोड़ा ये बता दें कि यहाँ क्या कौन से वीजे पर मतलब आए हैं? इधर मैं हूँ कंस्ट्रक्शन के वीजे पे। ठीक है, हाँ, इसको हर साल जो है आपको साल बाद वहाँ से आप वीजे पर आए हैं, वर्क वीजे? जी, पर जी, वर्क, वर्क वीजे, वीजे पर पर, नहीं मैं वर्क वीजे पर। वहाँ से अप्लाई किया था आपने? वो इधर नहीं, भाई मेरा इधर था, इधर से ही जो है अप्लाई, मतलब वीजा इधर से भेजा था। वीजा, हाँ। कितना खर्चा कितना आ गया उस वक्त? 2017 में तकरीबन मेरे खर्च हुए थे 3 लाख के करीब जो है। 3 लाख के? आज से तकरीबन 5-6 साल पहले की बात है। 3 लाख वर्क वीजा, कौन सा वीजा था वो? कंस्ट्रक्शन का, मतलब आजाद वीजा या दूसरा? आजाद। ये थोड़ा बता दें कि आप क्या सोचते हैं मलेशिया पैसे के लिहाज से कैसा कंट्री है? मलेशिया पैसे के लिहाज से मैं आपको सच्ची बात बोलूं तो मलेशिया में आप थोड़ा सा अपने जो है पसीना बहाते रहो। ठीक है, और आप में दम खम हो तो मलेशिया पैसे के लिहाज से जो है बहुत आला कंट्री, अच्छा कंट्री है, बिल्कुल बना सकते। मतलब अगर आप जी, जी, कोई मतलब आपको थोड़ा सा गुरो पैसा बनाने का तो मलेशिया में पैसा कमाना मुश्किल नहीं। अगर बिजनेस किया जाए, कोई बिजनेस किया जाए या मतलब कोई ऐसे, अगर आप किसी कंपनी में भी काम कर रहे हो उधर, आपको थोड़ा सा जो है सऊदीया मलेशिया की नस्बत आजाद काम करना कैसा है? सऊदीया में आजाद काम करना अच्छा है सऊदीया में या मलेशिया में आप इजी रहते हैं? सऊदीया में टेंशन होती है कपीलों की, आजाद काम में ये है कि ज्यादातर कपीलों का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, कपील आपसे जो है मतलब डिमांड करते हैं हर महीने, ज्यादातर डिमांडिंग उनका जो है होता है। ठीक है, तो आजकल तो मैं नहीं समझता कि मतलब क्या हालात होंगे, लेकिन अभी आप मलेशिया में जिस वीज़े पर आप रह रहे हैं, जिस वीज़े पर आप कंस्ट्रक्शन, इसका क्या हिसाब किताब है, कितना अपना रिन्यू करवाते हैं महीने का? इधर मैं जो है महीने का तो नहीं, साल बाद, सॉरी, साल का रिन्यू कितने का? साल का अभी जो है इस टाइम जो है 4000 रिंगिट। 4000 रिंगिट करवा रहे हैं आप साल का? बिल्कुल। CIDB कार्ड बना हुआ है आपका? CIDB कार्ड जो है मेरा बना हुआ है, बिल्कुल सही है। तो अभी काम की थोड़ी बात करते हैं, काम वगैरह क्या आप कर रहे हैं? जिस टाइम आप आए थे उस टाइम क्या काम कर रहे थे? जब मैं आया था उस टाइम
टाइम तो मैं कंस्ट्रक्शन ही कर रहा था। कंस्ट्रक्शन क्या सैलरी वगैरह उस टाइम मिल रही थी उस वक्त? कभी किसी जगह पे 1600, कभी किसी जगह पे 1700। ठीक है, मार भी बहुत खाई है, बहुत सी जगह मार कैसे खाई है थोड़ा दोस्तों को बताएं। ये कि जो है कई बंदों के साथ काम किए, पैसे लेके भाग गए। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम भी जो है बहुत ज्यादा। पैसे जो लेके भाग गए कौन से? मलेशियन थे, पाकिस्तानी थे, कौन थे वो लोग? उसमें से एक दो तो जो था ठेकेदार था इंडोनेशियन था। ठीक है, तो वो थोड़े से पैसे लेके मेरे भाग गया था। सही है क्या? और लोगों के साथ भी ये वाक्या होता है बहुत ज्यादा, अक्सर बंदों के साथ ऐसे जो लोग आ रहे हैं, कोशिश करो जहाँ पर जो, उनको मैं ये बोलता हूँ कि आप ढूंढो जो है पक्का किसी बॉस को जो है ढूंढो, तलाश करो, इधर मिल जाते अच्छे अच्छे बॉस मिल जाते। ठीक है, या किसी कंपनी में अगर आपको तो कंपनी में आप जो है अप्लाई करो काम के लिए। ठीक है, अगर आपको किसी कंपनी में जो है काम मिल जाए उधर से आपका पैसा नहीं मिलता। ठीक है, कंपनी अगर 100 साल जो है कायम रहती है तो आपको 100 साल बाद भी आपका मतलब बात करने का आपका, अगर किसी आप सप्लायर के थ्रू काम कर रहे हैं उसमें आपकी सैलरी की गारंटी नहीं है। नहीं, लेकिन अगर आप किसी बॉस के साथ अटैच काम कर रहे हो तो अटैच काम कर रहे हो वो बिल्कुल 100% मिलेगी, 100%। क्योंकि जो लोग नए आ रहे हैं, जो आजाद वीजे पे, मतलब चाहे वो कंस्ट्रक्शन का है या सर्विस सेक्टर, जो भी आजाद वीजे पर आ रहे हैं, ये बातें उन लोगों के लिए होती हैं, थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि वो नए होते हैं, उनको पता नहीं होता इस चीज का। तो अभी जो अब अभी क्या काम करें ये भी थोड़ा बता दें। फिलहाल तो मैं काम कर रहा हूँ सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी का? जी जी, सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी वैसे पाकिस्तानियों को अलाउ है? नहीं, पाकिस्तानियों किसको अलाउ है? अलाउ है ये नेपालियों को, नेपाली अलाउ। पाकिस्तानी सिक्योरिटी का काम बहुत ज्यादा लोग करे, मैंने वीडियो भी बनाई। जी जी बिल्कुल कर दे, लेकिन वो ये है कि आपको जो है पहले तो आपको अपना वीजा अगर आपके पास हो तो फिर प्रॉब्लम थोड़ा। वैसे कंस्ट्रक्शन पे स्कूटी का काम कर सकते हैं? कर तो नहीं सकते पर लेकिन दुनिया कर रही है, दुनिया कर रही है ये तो बात 100% है। कंस्ट्रक्शन के वीजे पे लोग दूसरे काम भी कर रहे हैं, चोरी छुपे कर रहे हैं, ना काम मिलने की वजह से लोग काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कंस्ट्रक्शन का वीजा है तो कंस्ट्रक्शन का काम 100% कर रहे हैं लोग। आगे पीछे मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियो बनाई है जिसमें लोग और भी काम कर रहे हैं मजबूरी के तहत। ठीक है, ना मिलने काम ना मिलने। बिल्कुल बिल्कुल। अभी सैलरी वगैरह क्या है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह सैलरी तो इस टाइम जो है मेरी है 2000 थोड़ी सी, 2000 से ऊपर है। मतलब थोड़ी घर कितना भेज देते हैं अगर बात करें, घर खर्चा कितना? घर अल्लाह गवाह है कि कभी जो है थोड़े भेज देते हैं, कभी ज्यादा। नॉर्मल महीने के कितने भेज देते? नॉर्मल 1500-1600 कितना बन गया पाकिस्तानी? तकरीबन 1,00,000 रुपया। तकरीबन 1,00,000 रुपया आप पाकिस्तान भेज रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सैलरी है। ये नहीं है कि पाकिस्तान में 30-40 मतलब बजाय अगर आप 1,00,000 भेज रहे हैं तो अच्छी सैलरी है। ठीक है ना, लेकिन अगर बात करें महंगाई की तो वो जो लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं, जड़ी महंगाई हो गई है वो तो कमर ही जो है तोड़ के रख। सही बात है। क्या अभी आप सोचते हैं जो 1,00,000 जो आप घर भेजने से गुजारा हो रहा है? घर से। और जो लोग पाकिस्तान में जिनकी 30,000 या 40,000 है या 20,000 वो कैसे सर्वाइव कर रहे होंगे? ये है कि बहुत मुश्किल है इस टाइम तो, बहुत ज्यादा मुश्किल है पाकिस्तानियों के लिए। दुआई कर सकते हैं। सही बात है। क्या मैसेज देंगे लोगों को? मैसेज ये दूंगा कि अगर आप लोगों ने मलेशिया आना हो तो मलेशिया में कोशिश किया करें कि आप लोग जो है या किसी कंपनी का वीजा लें या आजाद परमिट पे आने की बात फिर वही आ जाती है। मैं हर बंदे से कहता हूँ विजिट से जो है थोड़ा सा जो है बजाय आपके वर्क वीजा, आजाद वीजा मिलता बहुत मुश्किल से है, बहुत मुश्किल मुश्किल से ही मिलता है, लेकिन आप थोड़ा सा मुश्किल। लेकिन अभी एक और भी बात करूँ, बड़े महंगे हो गए वीजे भी, वीजे भी बहुत महंगे हो गए, गरीब की पहुंच से बाहर हो गए, बहुत ज्यादा जो है। तो आपको मैं सच्ची बात मैं आपको बोल दूं तो विजिट कौन सा जो है सस्ता है? एक बात तो है, विजिट से विजिट पे भी आजकल 4,00,000-4,50,000 तो नॉर्मली बंदा नॉर्मल इतना ले रहे हैं। अगर 4,00,000-5,00,000 आप लगाते हो, 1,00,000-1.5 लाख और ज्यादा लगा लो अच्छा, तो वो जो है वो आपका जो है फायदा हो जाएगा। कम से कम आपका जो है कोई वली वारस तो रहेगा। सही है। तो ये जो है फर्क होता है, बाकी विजिट से इधर बच के रहना चाहिए। विजिट पे आजकल तो काम के क्या लाते हैं विजिट वीजे वालों के लिए? विजिट वीजे वालों के लिए यार यकीन मानिए बहुत मुश्किल। और अपराशियां हो रही हैं कि नहीं ये थोड़ा बताएं लोगों? बहुत ज्यादा है। अभी पिछले दिन इधर जो है मेरे आंखों के सामने जो है इधर मैं अभी इस कंपनी में खड़ा हूं, ठीक है ना, ये पीछे आपको ये सारी कंपनी है, ठीक है ना, ये इस कंपनी में भाई स्कूटी का काम करी है। ठीक है, मैं एक साइड पे आया हुआ था भाई से बात करने के लिए। अच्छा, ये लाजिम जो है फिर प्रॉब्लम वगैरह जो है। ठीक है, तो लोगों को आप क्या बोलेंगे कौन से वीजे पर आना चाहिए? आपको वो यहाँ 5-6 साल हो गए, जाहिर आपका एक्सपीरियंस है 5-6 साल का, क्या तजर्बा रखते हैं लोगों को आप क्या बोलते हैं? तजुर्बा ये रखता हूँ कि यार इधर में अगर आप आए हो काम के लिए, एक तो इधर की जो है मोबाइल यूज से जो है अपने आपको थोड़ा सा बचा के रखें। वो कैसे? मतलब मिस यूज ना करें मोबाइल का। अक्सर जो है मुश्किल मुख्तलिफ तरह के ऐप आए हुए, ठीक है, जिसमें बंदे अक्सर लग जाते हैं। इधर हो रहा है कुछ ऐसा? इधर में बड़े बंदों के साथ हुआ है, ठीक है, बहुत से बंदों के साथ हुआ है और बहुत से बंदों के साथ ऐसा हुआ है। तो नंबर 1 तो ये चीज़,
और दूसरा काम पे अगर आप जो है आप काम के शौकीन हो तो काम ना छोड़ा करें, मतलब जहाँ काम कर रहे हैं काम की पाबंदी और मुस्तकिल मिजाजी सबसे बहुत बड़ी चीज में अगर मैं समझता हूँ तो बहुत बड़ी चीज जो है मुस्तकिल मिजाजी काम के अंदर। सही है, मुस्तकिल मिजाज रहना चाहिए थोड़ा सा अपने काम के साथ और मुखलिस रहना चाहिए। ठीक है, तो और फिर बंदा मार नहीं कहता। मतलब आप कुछ अगर बात करें यहाँ खाने पीने की क्या तरीका कार है? खाना पीना जो है बस कभी कभार इधर दुकान से खा लेते, किसी होटल से या किसी रेस्टोरेंट से कभी कभार अपना बना अपनी कोशिश करते हैं। पकाने की निस्बत अगर बाहर से और खाते हैं तो वो सस्ता पड़ता है महंगा पड़ता है, ये थोड़ा बताएं। बहुत महंगा पड़ता है। कितना महंगा पड़ जाता है? तकरीबन मिसाल के तौर पे 2 और 10 का फर्क आ जाता है। 2 और 10 का मतलब अगर आप 200-250 अगर महीने का आप अपना घर में बनाने के लिए खर्चा आ रहा है, बाहर आपका 500-600 या 700-800 ऐसा ही नॉर्मल। तो मतलब जो लोग आ रहे हैं उनको यही पैगाम देंगे कि अपना बना के अपना खुद खाएं, मतलब जो चीज़ें मतलब बाहर आप लेंगे वो महंगी पड़ेंगी, आप अपना खुद रूम में बनाकर खुद खाएं तो वो आपके लिए सस्ता पड़ेगा। और जो लोग ओवरसीज़ यहाँ आ रहे हैं अपने ही ज़्यादातर बनाते हैं, अपने ही ज़्यादातर पकाते हैं, ठीक है, बाहर वो कम लोग जो होते हैं बाहर, जो जैसे ये भाई हैं स्कूटी का काम कर रहे हैं बनाने में मुश्किल हो जाती है तो इसलिए ये भी बाहर से ले रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है। वैसे ओवर हाल देखा जाए तो लोग ज़्यादा खुद अपना बना के खाते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। कुछ और आपके अपने इलाके के लोग अपने पाकिस्तानियों के लिए कि खुश रहा करो, ठीक है, और अल्लाह पे भरोसा रखो इंशाल्लाह। वक्त जो मुश्किल है मुश्किल आती है, मुश्किल खत्म हो जाती है इंशाल्लाह, वक्त आ जाएगा हमारे मुल्क बदल जाता है, हम लोगों का भी किसी वक्त जो है इंशाल्लाह वक्त बदल इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर आपका। ओके जी, थैंक यू। छोटी सी वीडियो थी ये सिर्फ आप दोस्तों के लिए, यार मैं आगे पीछे हर जगह जाता रहता हूँ आप लोगों के लिए, और मैं ऐसा नहीं है कि मैं खुद कोशिश करता हूँ यार जो इन्फॉर्मेशन है आप लोगों तक सही सही पहुँचे, ठीक है ना। तो उम्मीद करूँगा ये छोटी सी वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी, और इसके अलावा किसी को कोई और मालूमात चाहिए हो तो वो भी मुझे कमेंट से लाजमी कर दिया करें, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को रिप्लाई करने की, आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ घंटी के बटन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मलेशिया की बहुत सारी ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो एक नए व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।